हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वास्कुलर टेक। तो छात्रों, आज मैं DWO ऑफिस से लाइव हूं और आपको इसमें दिखने वाला है कि DWO ऑफिस में आपके स्टेटस को वेरीफाई कैसे किया जा रहा है, कैसे काम प्रगति पर चल रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। साथ ही DWO ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो ये भी बताएंगे कि आपका जो स्टेटस है वेरीफाई कब तक किया जाएगा और जो आप लोग के स्कॉलरशिप का फंड है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कब तक किया जाएगा। तो आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट अप करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो छात्रों, आप लोग ध्यान दें कि जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है, जो लाइव सेशन का डायरेक्ट DWO ऑफिस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, ईयरफोन लगा लें, लेकिन एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये चलते हैं वेलफेयर ऑफिसर के पास। तो सर, एक इधर देखिएगा, जो बच्चों अभी पैनिक हो रहे हैं कि मतलब वो लोग जमा कर रहे हैं वेलफेयर ऑफिसर के पास और उसके बाद भी उनका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है ना, बच्चे का वो तो जो बच्चे जमा कर रहे हैं उनके बाद स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या होगी सर? स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, 2-3 दिन बाद 72 घंटे बाद चेंज हो जाएगा। जैसे कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आपकी तरफ से लास्ट अपडेट तो नहीं देखते हैं, मतलब 20 मार्च तक आप लोग चाहेंगे तो आप लोग अपना स्टेटस कंटिन्यू देखते रहिए कि कब आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। कार्य बहुत प्रगति पर हो रहा है जैसे देखो, पर स्कूल खुलेगा और स्पेशली बहुत से छात्रों ने जो देवरिया का समाज कल्याण विभाग है यहाँ के एक एक सदस्यों की बहुत ही तारीफ की है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है पूरे व्यूवर्स को वो सब देख रहे हैं। छात्र का जो है रीजन आएगा इसमें, रीजन पढ़ने के बाद ही उसको फॉरवर्ड करना है। जैसे एक बच्चे का यह है जी सर, उसका खोले देखो सामने क्या आ रहा है, रीजन करने लायक है या रीज करने लायक है, उस हिसाब से कर दिया जाता है। तकरीबन कितने छात्र होंगे सर आपके देवरिया सदर में? 1000 बच्चे जिनका होना है। अभी 1000 बच्चे हैं, इसलिए आप पैनिक मत होइए, अपना बस स्टेटस कंटिन्यू देखते रहिए ताकि किस हिसाब से कब तक चेंज हो रहा है, पर 20 मार्च तक आप लोगों को अपना स्टेटस देखते रहना है। आइए दिखा देते हैं। अब तुम जाओ, यहाँ क्यों आ गए? हो जाएगा ना, इतना हो रहा है सर। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिएगा, इस बच्चे में क्या डिफॉल्ट था और क्या स्टेटस? प्रमोट हुआ था बच्चा, बच्चा ये प्रमोट हुआ है। एक बच्चे का सर्च किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे एग्जांपल के बेस पे ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो छात्रों अभी तक के वीडियो में आपने देखा ही होगा कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को DWO ऑफिस की तरफ से मिली है। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं DWO ऑफिस से कंफर्म करके आपके प्रश्न का जवाब तुरंत दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं इस स्क्रीनशॉट की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो भी छात्र परेशान हो रहे हैं कि उनका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है जबकि कॉलेज की तरफ से DWO ऑफिस फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो वह 20 मार्च तक का वेट करें। 20 मार्च तक आपका स्टेटस कभी भी अपडेट, कभी भी चेंज हो सकता है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हों। अब बात करते हैं इस स्क्रीनशॉट की, जो कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस क्या लिख कर आ रहा है। स्कॉलरशिप आप ₹33 एंड फी रिबर्समेंट आप 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट, ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप टू डी प्रोडक्ट। तो छात्रों ये 90% छात्रों के साथ प्रॉब्लम है कि उनका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जा रहा है। अब ऐसे में उनको करना क्या होगा? देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कहने का मतलब सीधे यही है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। ऐसे में छात्र कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही, कॉलेज वाले बोलते हैं कि आप DWO ऑफिस जाइए। DWO ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ बोलते हैं कि ये बैंक की प्रॉब्लम है, आप बैंक जाइए। जब बैंक जाते हैं तो बैंक में ये बोला जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, कोई भी समस्या नहीं है बैंक के एंड से, तो अब आपको जाना कहाँ है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको DWO ऑफिस ही जाना है,
वहीं से आपका काम होगा। DWO ऑफिस जाने से पहले आप एक बार अपने मोबाइल पर चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है या फिर नहीं है। जो उसका स्टेटस है उसकी हार्ड कॉपी आप निकलवा लें। कैसे चेक करना है वो कंप्लीट मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि आपको कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से चेक करना है कि आपका आधार आपके बैंक से लिंक है या फिर नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ये उसका थंबनेल है। तो देखिए छात्र, जब वहाँ पर DWO ऑफिस जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप बैंक जाइए, तब आपको वो वाला हार्ड कॉपी दिखा देना है कि बैंक एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको वो सोल्यूशन इसका बताएंगे। जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो छात्रों 20 तारीख तक आप लोग कंटिन्यू अपना स्टेटस चेक करते रहिए, कभी भी आपका स्टेटस अपडेट या फिर चेंज हो सकता है। और एक छोटी सी मैं आपको बात और बता दूं कि जब कॉलेज की तरफ से आपकी फाइल फॉरवर्ड की जाती है DWO ऑफिस, तो जिन भी रिजेक्टेड कैंडिडेट की रिजेक्टेड छात्र की जो लिस्ट होती है एक बार फिर से कॉलेज वो भेजी जाती है। फिर इसके बाद वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है और कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। इसलिए कॉलेज के कॉन्टैक्ट में भी लगातार बने रहिए, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।